पानी गिर रहा था, सब आभा के बिस्तर में आ गया। ये देखिए कौन कौन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है सेकेंड दिन मेरे नानी के घर में, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, एंड सब तैयार हो रहे हैं उधर। नानी भी हम लोग के लिए सामान पैक करिए, कुछ कुछ लेकर के जाना है यहाँ से। तो यहाँ पे जल्दी से सामान पैक करते हैं, उसके बाद हम लोग भड़गांव के लिए निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो घर चलो, फटाफट चलो। टाटा बाई। उसका सीर ले खूब फूलो, खूब फलो, खूब खाओ, खूब मिटाओ। ठीक है बाबा, जाती ना भाई। चलो चलो लेट्स गो। सामान पकड़ लिए। चलो तो अभी ईसा और सिम्मी जा रहे हैं गाय के बच्चे को देखने के लिए। क्या कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है? वो ना भाग रहा था इधर से उधर। हाँ सिम्मी। चलो ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ से भड़गांव सीधा, एंड भड़गांव जाने के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। तो आखिरकार गाइस हम सभी आ गए अपने नानी के घर से वापस अपने घर भड़गांव, एंड अभी उस टाइम बाद जाऊंगा ईसा और सिमी को उसके घर डुमरिया छोड़ने के लिए। और आज मौसम भी बहुत ख़राब है नाभा, पूरा मौसम पानी पानी वाला मौसम है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठंडा भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, धूप आता तो अच्छा लगता। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं डुमरिया इन दोनों को छोड़ने के लिए। अभी मैं जा रहा था ईसा और सिमी को छोड़ने के लिए उसके घर डुमरिया, और उतने ही टाइम में देखिएगा इस पीछे पानी गिर रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और अब तो और ज़्यादा ठंडा लगने वाला है। और ठंडा में भाई पानी गिर रहा है यार, क्या मौसम है भाई। भाई बिन मौसम बरसात हो रहा है, देखिएगा इस आप लोग भी, ये देखिए बिन मौसम के बरसात पानी गिर रहा है, एंड ठंडा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी ये पानी गिरना बंद हो जाएगा, उसके बाद जब बादल हट जाएगा ना, उसके बाद तो और भी ज़्यादा ठंडा लगेगा, तब तो और भी हालत ख़राब होने वाला है हम लोग का। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ रेस्ट लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद पानी गिरना बंद हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे डुमरिया ईसा के घर। पानी गिर रहा था, सब आभा के बिस्तर में आ गया। ये देखिए कौन कौन है। सब सब के सब, बस 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 हो गया। तो देख रहे ना, सब के सब एक जगह आके मजे ले रहे हैं। और मैं राहुल का ब्लॉग देख रही हूँ। क्या हो गया रितिक, कौन मारा? सर सो जाओ यहाँ पे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ जल्दी से। नहीं मारता है रितिक, देखिए रितिक सिमी को मार रहा है। क्यों मार रहा है रे? तो अभी मौसम हो गया थोड़ा सा साफ, इसलिए मैं जा रहा हूँ ईसा और सिमी को पहुँचाने, घर पहुँचाने डुमरिया। और रितिक इधर से दौड़ के आ रहा है। ओए रितिक तू कहाँ जा रहा भाई? ओए रितिक तू कहाँ जा रहा? तेरे को बाइक में हम नहीं बैठाएंगे, लो जा रहे हैं अभी जल्दी में। चलो नहीं बैठाएंगे, चलो जाओ अभी, नहीं बैठाऊंगा तेरे से। टाटा कर दे दीदी को, टाटा कर दीदी को। चलो ठीक है गाइस, तो चलता हूँ इन लोगों को जल्दी से छोड़ने के लिए डुमरिया। अगर फिर से पानी आ गया ना तो लफड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से मैं फंस जाऊँगा उधर, तो जल्दी से जाता हूँ। मैं आ गया हूँ वापस सिमी के घर, और सिमी यहाँ पे जैसी सिमी को लेकर के आए, ये अपना मोबाइल में कार्टून देख रही है, और इधर मेरी पौसी मेरे लिए चाय बना रही है गर्मा गर्म। और आते समय तो थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, तो मेरा भी कोट भी हल्का हल्का सब भीग गया है थोड़ा थोड़ा सा, और ठंडा भी लग रहा है, और सर्दी तो था ही मेरे को हल्का हल्का पहले से। अभी मौसम और भी ख़राब होते जा रहा है, तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद मौसम जैसे खुलेगा उसके बाद यहाँ से मैं जल्दी से जाऊँगा घर। अभी अपने मौसी के घर हूँ, और बहुत भयंकर टाइप से पानी गिर रहा है, आपको दिखाता हूँ कितना पानी गिर रहा है यहाँ। तो ये देखिए गाइस कितना ज़ोर से पानी गिर रहा है पूरा, आज तो लगता है मैं डुमरिया में ही फंस जाऊँगा। तो गाइस आज बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा है, मैं यहाँ आने के बाद फंस गया। लगता है कि आज मेरे को रात में मेरे मौसी के घर में ही रुकना पड़ सकता है, देखते हैं क्या होता है। और फिलहाल तो ठंडा ही बढ़ जाएगा, तो पहुँच रहा हूँ अपनी मौसी के यहाँ ही रुक जाऊँ,
एंड लाइट भी गोल हो गया है, मोबाइल में भी चार्ज नहीं है।